दोस्तों, इस दुनिया में शादी और शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग देशों में अजीब अजीब तरीके के कानून बने हुए हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां शारीरिक संबंधों पर सार्वजनिक चर्चा बिल्कुल नहीं होती, वहां शारीरिक संबंधों पर हजारों पाबंदियां हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया जाता है। ऐसे देशों में सेक्स को लेकर खुलापन है। इन देशों में शारीरिक संबंध को लेकर बने कानून भी अजीबोगरीब हैं। कहीं पर सुहागरात के दौरान दुल्हन की मां को कमरे में रहने की परंपरा है, तो कहीं पर हस्त मैथुन के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान है, और कहीं पर कुंवारी लड़कियों का कौमार्य भंग करने के लिए यानी कि उनकी सील तोड़ने के लिए सरकार वहां के युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करती है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक और बेहद शर्मनाक देशों के कुछ ऐसे गंदे रिवाजों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, दुबई। दोस्तों, दुबई में बड़े स्तनों वाली महिलाओं का डंका बजता है। यहाँ के पुरुष बड़े और भारी भरकम चूचियों वाली महिलाओं की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि ऐसी महिलाओं को दुबई में लकी माना जाता है। दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर महिलाएं और पुरुष अपनी सेक्सुअल उत्तेजना बढ़ाने के लिए अदरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे 80 साल की उम्र में भी जवानी बरकरार रहती है। यहाँ पर ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद किया जाता है, जिसमें अदरक और लहसुन भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, कोलंबिया। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी दुनिया में कई अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ के तो बारे में आपको पता होगा, लेकिन कईयों के बारे में आप भी अनजान होंगे। लेकिन कोलंबिया में ऐसी सुहागरात की परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल कोलंबिया में परंपरा है कि एक महिला को अपनी मां के सामने ही पहली बार अपने पति के साथ सेक्स करना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, उसकी मां इस क्रिया को देखती भी है। दरअसल अपने अलग कानून और परंपराओं की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले कोलंबिया में जब कोई महिला अपने पति के साथ पहली बार सेक्स करती है, तो उस वक्त उसकी मां भी वहां मौजूद रहती है। वह अपनी बेटी को उसके पति के साथ संभोग करते हुए देखती है। यह अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। नंबर 3, फिलीपींस। दोस्तों, फिलीपींस की लड़कियां सबसे ज्यादा भारतीय लड़कों को पसंद करती हैं। उनका मानना है कि वो सारी जिंदगी एक ही लड़की के साथ बिता देते हैं। फिलीपींस की सुंदर महिलाएं और लड़कियां हमेशा भारतीय मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उतारू रहती हैं। इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर भारत का कोई हैंडसम गबरू जवान गलती से भी चला गया, तो उसका वहां से वापस आना तब तक नामुमकिन है जब तक वो वहां पर रहने वाली 2-4 महिलाओं के शरीर की प्यास को न बुझा दे। अगर आप भी फिलीपींस जाना चाहते हैं, तो ऐसी लड़कियों से सावधान रहिएगा। हाँ, अगर आप यहाँ की लड़की से शादी करना चाहते हैं, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा अमीर होती हैं, और अगर उन्हें पति के रूप में भारतीय मर्द मिल जाए, तो वो उस पर अपनी पूरी दौलत न्योछावर कर देती हैं। नंबर 4, इंडोनेशिया। दरअसल इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हर साल पोन नाम का त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार वर्षों से चला आ रहा है और बाली द्वीप के सभी परिवार इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस त्यौहार की खास बात यह है कि इस त्यौहार के दौरान महिलाएं अनजान शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। दोस्तों, वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस त्यौहार के दौरान अगर कोई भी महिला किसी भी अनजान पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है, तो उन दोनों की मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा परिवार में खुशहाली का माहौल रहता है और परिवार के साथ निजी जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि ये त्योहार वर्ष में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार मनाया जाता है। इस परंपरा और रिवाज के अनुसार हर महिला को एक नया अजनबी साथी खोजना होता है और उसके साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। एक खास बात और है कि अगर कोई भी महिला अपने पुराने साथी के साथ संबंध बनाती है, तो उनकी मुरादें पूरी नहीं होती। इस त्योहार को मनाने के पीछे भी एक प्रचलित कहानी है। दरअसल इंडोनेशिया के एक युवा राजा का अपनी सौतेली माँ के साथ अफेयर था। सेक्स करने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई और गुनुंग केमकुस माउंटेन के टॉप पर उन्हें दफना दिया गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो कोई माउंटेन के टॉप पर सेक्स करता है, उसे अच्छी किस्मत प्राप्त होती है। इसी कारण
हर साल यह त्यौहार एक खास पर्वत पर मनाया जाता है और त्यौहार के लिए दूर दराज से भी लोग आते हैं और पर्वत पर पहुंचकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और फिर वहीं पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। साल में 7 बार आयोजित होने वाले इस त्यौहार में महिला हर बार एक नए पार्टनर के साथ संबंध बनाती है। इस त्यौहार के नियमों के मुताबिक जो भी पुरुष महिला के साथ संबंध बनाता है उसे उस महिला को $10 देने होते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वेश्यावृत्ति बन गई है। यहाँ बड़ी संख्या में वेश्याएं भी पहुँचती हैं, कई बार तो लोग यौन रोगों की चपेट में भी आ जाते हैं। हालांकि लोग इस त्यौहार के फायदे ज्यादा देखते हैं, यौन संबंध बनाने से लोगों ने अपनी जिंदगी में कई चमत्कार देखे हैं। यही वजह है कि इंडोनेशिया में ये त्यौहार अब भी जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है।